नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कीजिए, वहां पर आपको मैथ्स के बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। सेकंड टर्म का पूरा मैथमेटिक्स आपका अपलोड है। फर्स्ट टर्म के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ और उनसे आपको डेफिनेटली मदद होगी। देखिए, हमारे चैनल पे जो बच्चे आते हैं, हमारे चैनल पे जो वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में अपनी जान डाल दूं और आपको पूरी तरह से वो चीज समझ में आ जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बुक से ज्यादा होती है। अब देखो, अगर कोई चीज ज्यादा हम पढ़ ले तो उसमें हमारा नुकसान नहीं है, कम पढ़े तो नुकसान है। मैथमेटिक्स बच्चों के लिए डिफिकल्ट इसलिए बना है कि वो बच्चों तक सही मायने में पहुंचा नहीं है। और मेरी कोशिश यही है कि मेकिंग मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्टिंग, मैं मैथमेटिक्स को सिंपल बना रहा हूं और इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बना नहीं दिया है, कोशिश कर रहा हूं। वो तो तब होगा जब आप लोग बोलोगे कि हाँ सर, मैथ सिंपल लगने लगा। चलिए, मैं ज्यादा बात नहीं करता, अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का ये अगला वीडियो है और इसमें हम स्पेशल बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स की। अब देखिए, इरेशनल नंबर्स होते क्या है, लेट मी राइट फर्स्ट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हैं तो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है? इनका डेसिमल फॉर्म होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग बोलिए या रिपीटिंग बोलिए, ठीक है, रिकरिंग बोलिए या रिपीटिंग बोलिए, कि भैया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो होगा ही, मतलब होगा लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब उसको आप खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, और रिकरिंग भी नहीं होगा। कैसे होगा? तो ये होगा भैया, जैसे आपको रूट टू का देके रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, अगर आप देखिए कि रूट टू का आंसर क्या है, तो रूट टू का आंसर आपको देखने मिलता है दैट इज 1.414, दैट इज 1.41421 एंड सो ऑन। ये डिवाइड होते जाए, ये आप करते ही जाओगे, ठीक है। मतलब रूट टू क्या है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, और साथ में जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जो रूट में प्राइम नंबर हो, तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आप अगर आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले उठा के देखिए पेज नंबर 21 पर, तो उन्होंने कहा है कि लेट अस रिकॉल में आपको नंबर लाइन देकर रखी, नंबर लाइन पर बता के रखा है रूट टू और रूट थ्री को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आपने देखा होगा अपनी एड्स में, आपने रूट टू और रूट थ्री को नंबर लाइन पर वहां पर आपने ड्रॉ करके बताया होगा, ठीक है। आपने नंबर रूट फाइव को भी आपने वहां पर रिप्रेजेंट करके बताया होगा नंबर लाइन पर कि कैसे कहां वो होगा, ठीक है। बहुत सिंपल होता है वो, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वो चीज आपने ऑलरेडी की है, इसके लिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं, ठीक। अब अगर उसमें एक चीज देखने मिलेगी आपको कि नंबर लाइन पर आप क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो। भैया, नंबर लाइन पर आप जो होल नंबर है वो बता सकते हो, इंटीजर है वो बता सकते हो, रैशनल नंबर बता सकते हो। तो यहां पर नंबर लाइन पर एक चीज देखने मिली कि रैशनल के साथ साथ आप नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर भी बता सकते हो। और इरेशनल नंबर होते क्या है कि उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। मतलब वो भी आप बता सकते हो। मतलब क्या होता है कि नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट जो होता है, पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट, वो किसी ना किसी नंबर को इंडिकेट करता है। रेस्टल हो या इरेस्टल, नंबर लाइन के ऊपर हर पॉइंट किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और हर नंबर को आप रेस्टल लाइन, हर कोई भी नंबर हो, उस नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर पर्टिकुलरली बता सकते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। मतलब सीधी सीधी बात है कि हर एक नंबर की नंबर लाइन पर फिक्स जगह है, और नंबर लाइन के हर पॉइंट का एक नंबर से कनेक्शन है, वो वही नंबर वो बताएगा। वो अगर प्लस साइड होगा तो, अगर वो प्लस होंगे तो वो राइट साइड जाएंगे, माइनस होंगे तो लेफ्ट साइड होंगे, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह, ठीक है, ठीक। तो ये चीज देखे रखिए आपको पेज नंबर 22 पर, दैट इज एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर इज एसोसिएटेड विद यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब चाहे वो रूट वाले नंबर हो या कुछ भी हो, आप उन रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर बता सकते हो, और नंबर लाइन का पर्टिकुलर पॉइंट किसी न किसी रियल नंबर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। वही चीज मैंने आपको पहले बताई। अब देखिए, यहां पर कुछ चीजें देके रखी है, प्रूफ देके रखा है कि रूट टू जो है वो इरेशनल है। अब रूट टू इरेशनल कैसे है,
उसका वहां पर प्रूफ देके रखा है। आपको शायद आपकी टीचर इस चीज को एक्सप्लेन ना करे, शायद आपके टीचर आपकी स्कूल में आपको ये क्वेश्चन ना करवाए, ठीक है, आपकी बुक में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देके रखा, स्पेशली रूट टू रूट थ्री के लिए, जो आगे देके रखे वो अलग है, ठीक है। तो रूट टू इज अ रियल नंबर, इज अ रैशनल इरेशनल नंबर, इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको अगर रूट टू इरेशनल प्रूफ करते आएगा तो आपको रूट थ्री भी करते आएगा, रूट फाइव भी करते आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रूट टू को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं वो बताता हूं। उसकी मदद से अगर आपने ये देख लिया तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए कर लोगे, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन देके रखे हैं वो बहुत आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट टू इरेशनल है, हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहां लिखिए प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू जो है वो है इरेशनल नंबर है, हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए मैथमेटिक्स में कुछ चीजें वहां में लेके रखा इनडायरेक्ट प्रूफ, कुछ चीजें होती है उसको उल्टा सपोज कर लेना होता है। मतलब अगर आपको प्रूफ करना है इरेशनल है तो आप उसको सपोज कर लीजिए कि रैशनल है और रैशनल लेके चलिए, आप उसको रैशनल लेके चलोगे एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वहां पर वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। यह लिखिए लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रूट टू एक रैशनल नंबर है, ओके, दैट इज रूट टू जो है वो पी अपॉन क्यू के इक्वल है, ये हमने सपोज करके रखा है। और सपोज करते समय एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स है एंड पी क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, पी क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये आपने सपोज किया है। मतलब क्या है, पी और क्यू आपने ऐसा सपोज किया भैया कि वो एक सिंपल फॉर्म में, मतलब अगर रैशनल नंबर ऐसा होता है 2/12 तो उसको 2/12 उसको 1/6 सपोज किया है, क्योंकि यहां पर 2/12 कैंसिल हो सकता है, ये यहां पर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, 1/6 कैंसिल नहीं होगा, 1/6 ही रहेगा, एक्सक्यूज मी, तो सिंपल फॉर्म में है वो, ठीक है। तो हमने सपोज क्या कर लिया कि रूट टू जो है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, पी और क्यू इंटीजर है और साथ में पी क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, पी और क्यू इंटीजर है, ये बात हमको हमारी टेक्स्ट बुक में भी ऐसी देख रखा है। अब देखिए इसकी स्टेप्स क्या है, पहली स्टेप तो ये है कि इसको सपोज कर लो। पहली बात क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात है कि सपोज करो कि सपोज जो दिया हुआ नंबर है वो पी अपॉन क्यू है और वो क्या है, वो रैशनल नंबर है, वो क्या है रैशनल नंबर, मैंने हैश लगाया, हैश को नंबर के लिए यूज किया जाता है। तो पहला काम हमको क्या करना होता है इसमें कि इसको पी अपॉन क्यू सपोज करना होता है। दूसरा काम क्या करना होता है कि इसका स्क्वेयर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का आपको स्क्वेयर करना होता है। ये इसकी मेथड का मैं आपको पॉइंट इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको आगे क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। अब ये इसको जब आप स्क्वेयर करेंगे, लिखिए स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आपने स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर करने से क्या होगा, रूट टू का आप स्क्वेयर करोगे और पी अपॉन क्यू का आप स्क्वेयर करोगे, मतलब क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वेयर तो हो जाएगा जी टू, पी का स्क्वेयर हो जाएगा पी स्क्वेयर, क्यू का स्क्वेयर हो जाएगा जी क्यू स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर इस टू का यहां मल्टी, इस क्यू स्क्वेयर का यहां मल्टीप्लाई कर दो तो टू क्यू स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वेयर के। अब यहां हमें क्या मिला, पी स्क्वेयर मिला है टू क्यू स्क्वेयर के इक्वल, मतलब पी स्क्वेयर क्या है, इवन नंबर है भैया, क्यू स्क्वेयर में टू का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पी क्या है, पी स्क्वेयर क्या है, इवन नंबर है। यह लिखिए हियर पी स्क्वेयर इज इवन नंबर, और अगर पी स्क्वेयर इवन नंबर है तो भैया अगर पी स्क्वेयर इवन नंबर है तो क्या होगा, सो दैट पी इज ऑल्सो इवन, अच्छा पी अगर इवन आ गया तो क्या हो जाएगा, पी अगर इवन आ गया तो क्या हो जाएगा, हियर टू इज द फैक्टर ऑफ पी। तो यहां क्या आ गया, यहां आ गया कि टू जो है वो पी का फैक्टर, टू इज द फैक्टर ऑफ पी,
पर हमने क्या सपोज किया था कि पी क्यू है नो कॉमन फैक्टर। देखिए अभी हमने कॉमन फैक्टर बोला था, पी का फैक्टर टू आ गया, ठीक है। हमें अगर क्यू का भी फैक्टर हमने टू बता दिया तो भैया हमने सपोज किया था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं, और यहां पर टू भी इसका फैक्टर, यहां पर टू पी का भी फैक्टर आएगा और टू क्यू का भी फैक्टर आएगा, तो फिर हम दोनों का बता के वहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उसको उल्टा सपोज कर देंगे और फिर बोल देंगे हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है। तो यहां ये बात क्लियर हो गई कि भैया टू इज द फैक्टर ऑफ पी। हमने सपोज क्या किया था कि पी एंड क्यू है नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बोला था, लेकिन हम पी का हमने फैक्टर टू बता दिया। अगर पी का फैक्टर टू है तो पी एक नंबर होगा कोई ना कोई, तो मैं पी को अगर ऐसा सपोज कर लू कि पी इज इक्वल टू टू एम, सपोज कर लिया भैया कि अब ये कंडीशन तो बन गई है, मैंने सपोज कर लिया कि पी जो है वो टू एम के इक्वल है, किसके इक्वल है, टू एम के इक्वल है, ये मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। और m क्या है, m कोई ना कोई इंटीजर है भाई, m इज द इंटीजर, ओके, m बिलोंग्स टू i, वो इंटीजर है। अब देखिए यहां पर अगर p मैंने 2m सपोज किया है, मैं यहां पर नाउ लिख लेता हूं, लाइन खींच लो। अब देखिए मैंने p को क्या सपोज कर लिया, 2m सपोज कर लिया, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इस p की वैल्यू आप यहां पुट करो, किसमें, 1 में, लिखिए यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ पी इन वन, वन में पुट करेंगे तो क्या होगा, वन क्या लेके रखा है, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर देके रखा है, तो इसको लिखो टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, टू एम स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर q स्क्वायर क्या होगा भाई, 2m स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, q स्क्वायर इज इवन, सो दैट q इज ऑल्सो इवन, ठीक है। q स्क्वायर क्या है, इवन है, अगर q स्क्वायर इवन है तो फिर q भी इवन होगा, अगर q भी इवन होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको बाद में बता दूंगा आपको, अगर q भी इवन आ गया तो क्या हो जाएगा, सो दैट 2 is the factor of q, ठीक है। अब देखो हमने यहां क्या बताया था कि here 2 is the factor of p, और क्या बता दिया, 2 is the factor of q, भैया 2 जो है वो p का भी फैक्टर है, 2 जो है वो q का भी फैक्टर है, लेकिन हमने सपोज क्या किया था, p एंड q है, p एंड q है वो नो कॉमन फैक्टर, हमने सपोज किया था p q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और हमने यहां पर इसको नंबर दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, नंबर 2 में क्या बता दिया कि 2 इसका कॉमन फैक्टर है, और 3 में क्या बता दिया कि 3 क्यू का जो 2 है वो q का भी कॉमन फैक्टर, मतलब 2 दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहां लिखो हियर फ्रॉम 2 एंड 3 वी हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ओके। अब हमने p और q का यहां पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमको क्या मिल गया कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है p का भी और q का भी। अब भैया हमने सपोज वैसा नहीं किया था, हमने तो कुछ और ही सपोज किया था, लेकिन हमने बता दिया कि ये जो हमने सपोज किया है ये रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमने बोला था कि भैया नो कॉमन फैक्टर है, और यहां तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, ओके। सो दैट आवर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट, हमारा जो अजम्पशन था वो इनकरेक्ट था, और हमारा अजम्पशन क्या था कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर, सो दैट रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या होता है जी, ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको प्रूफ करने की जो मेथड्स है वो क्या है, पहले सपोज कर लो कि p और q रैशनल नंबर है और p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं, फिर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके आपको वो वहां पर 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 इसका किसका, p स्क्वायर इवन हो जाएगा तो p भी इवन हो जाएगा, तो p जो होगा p अगर इवन हो गया तो p को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ p, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। फिर अगर p जो है वो 2 से 2 उसका फैक्टर है, तो फिर हमने p को सपोज कर लिया 2 के फॉर्म में, 2m सपोज कर लिया, ये उठा के मैंने यहां पुट कर दिया, यहां पर यहां पुट करने से क्या हो गया, q स्क्वायर 2m के इक्वल आ गया। अब ये q भी इवन हो गया, q स्क्वायर इवन हो गया, तो फिर q भी इवन हो गया, q
क्यू अगर इवन हो गया तो क्यू का जो टू इज द फैक्टर ऑफ क्यू हो गया, और टू इज द फैक्टर ऑफ क्यू अगर हो गया, टू इज द फैक्टर ऑफ क्यू हो गया, तो भाई देखो ये यहां पर बोलता है कि टू जो है पी का भी फैक्टर है, टू जो क्यू का भी फैक्टर है, तो भैया दोनों के अगर फैक्टर है तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, टू हो गया. सो हियर फ्रॉम टू एंड थ्री वी हैव टू एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू. सो अवर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट. हमने तो अजम्प्शन क्या किया था कि भैया रेशनल नंबर है और इसमें पी क्यू में, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने कॉमन बता दिया. तो इसके लिए हमने लिखा कि अवर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट, रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर. इस तरह से इसको प्रूव करना है. ठीक है, आप अगर इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए. अब देखिए मेथड मैंने जो बताई थी उसमें पहला काम क्या था कि पी अपॉन क्यू सपोज कर लो, दूसरा स्क्वेयरिंग कर लो, तीसरा फिर जो नंबर होगा अगर टू चल रहा है, अगर आप रूट टू के लिए कर रहे हो तो टू आप कॉमन फैक्टर बता दोगे पी का. ओके, आप क्या करोगे यहां पर टू बता दोगे कॉमन फैक्टर किसका, या टू बता दोगे फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं, टू आप बताओगे टू एज अ फैक्टर ऑफ पी. ओके, टू इज फैक्टर ऑफ पी. फिर उसके बाद में आप पी को कुछ सपोज कर लोगे. ओके, पी को आप कुछ सपोज करोगे, क्या पी इज इक्वल टू टू एम सपोज करोगे, और अगली स्टेप में आप क्या करोगे, पांचवी स्टेप में, दैट इज जो टू है वो क्यू का भी फैक्टर आ जाएगा, टू इज फैक्टर ऑफ क्यू, टू इज फैक्टर ऑफ क्यू. और आखिरी में आप लिखोगे कि भैया ये पांच पॉइंट हो गए, छठवां पॉइंट आप क्या लिखोगे कि पी और क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर टू हो गया, और फिर अगर दोनों का कॉमन फैक्टर टू हो गया तो हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, हमारा अज्यूम्पशन इनकरेक्ट था. और इसके लिए करेक्ट चीज क्या है कि रूट टू जो है वो रैशनल नहीं, वो इरेशनल. ठीक है, आप अगर इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए. मैं इसी को आपको थ्री में कन्वर्ट करके बता दूं कि रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर कैसे करेंगे. अब देखिए, अगर आपको पता करना है कि रूट थ्री इरेशनल है तो मैं जहां जहां टू है वहां पर रूट थ्री कर देता हूं और रेड पेन से करता हूं, आपको समझ में आएगा. ये रूट थ्री इज एन इरेशनल बोला है तो मैं यहां पर रूट थ्री कर देता हूं, मैं यहां पर रूट थ्री कर देता हूं. ठीक है, अब मैं यहां पर रूट थ्री किया तो यहां पर रूट थ्री आ जाएगा. ठीक है जी, देखिए ना, फिर यहां रूट थ्री होगा तो ये थ्री टू था, यहां पर थ्री हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया, यहां थ्री किया तो ये क्या हो जाएगा, थ्री क्यू स्क्वायर हो गया. अब आप यहां पर इवन इवन मत लिखिए, आप यहां पर लिखिए हियर हियर पी स्क्वायर इज इवन, ना लिखिए, आप ऐसा लिखिए, इसको मैं चेंज कर देता हूं, आप यहां ऐसा लिखिए हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री सो दैट पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री. और पी अगर डिविजिबल बाय थ्री आ गया तो थ्री इज अ, सो दैट थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी, पहला पॉइंट हो. ठीक है, अब पी का फैक्टर आ गया. अब अगर थ्री जो है वो पी का फैक्टर आ गया तो हमने पी को सपोज कर लिया थ्री एम, तो हम यहां पर इसको पुट कर देंगे थ्री एम, है ना. हम क्या करेंगे यहां पर थ्री क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर की जगह पर हम p की जगह पर क्या पुट करेंगे, यहां पर जो 3 है 3 कर दो, ये 3 कर दो और इसको 3m कर दो. अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये चेंज हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं. ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा जी, यहां पर आपने p को क्या सपोज कर लिया, 3m सपोज कर लिया, तो p की जगह आप 3m पुट करोगे, 3q स्क्वायर ऐसा कैसे होगा, ये होगा 3m का स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर ऐसा कैसे ये हो जाएगा 9m स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा जी, ये क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3m स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. तो यहां क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, थोड़ा राइटिंग खराब आ रही है भैया, सो दैट क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 इज द फैक्टर ऑफ क्यू. अब दोनों के कॉमन फैक्टर क्या आ गए जी, दोनों के कॉमन फैक्टर आ गए 3, और हमने जो अज्यूम किया था रॉन्ग था, तो यहां आ जाएगा रूट 3. ऐसे करना है जी, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, बस यही है कि आपको इसको समझ लेना है कि मेथड क्या है. मतलब देखिए, ढांचा वही है, स्ट्रक्चर वही है, आपने सिर्फ नंबर चेंज कर दिया. टू का होगा तो टू कॉमन फैक्टर आएगा, रूट थ्री का होगा तो थ्री कॉमन फैक्टर आएगा, रूट फाइव का होगा तो रूट फाइव कॉमन फैक्टर आएगा. तो इस तरह से आपको इसको प्रूफ करना है. प्रूफ करने की मेथड समझ लीजिए, ये जब रूट टू करोगे तो यहाँ टू कॉमन फैक्टर के लिए आएगा, रूट थ्री के लिए करोगे तो थ्री कॉमन फैक्टर आएगा, रूट फाइव के लिए करोगे तो फाइव कॉमन फैक्टर आएगा दोनों में, रूट सेवन के लिए करोगे तो रूट सेवन जो सेवन कॉमन फैक्टर आएगा. लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर यही है. सपोज आपको रैशनल नंबर करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है, पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर करके सपोज करना है, फिर आपको स्क्वायर करना है. पहला काम क्या करना है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में सपोज करना है, यहाँ पी क्यू के कॉमन फैक्टर नहीं है, पहली स्टेप. दूसरा क्या करना है, स्क्वायर करना है. तीसरा क्या करना है,
तीसरा आपको उस नंबर को जो भी नंबर वॉट एवर रूट टू रूट थ्री रूट फोर जो भी रूट टू रूट थ्री रूट फाइव जो भी हो अगर आप रूट टू लेते हो तो वहां पर आपको पहली स्टेप में आएगा कि पी का कॉमन फैक्टर पी का फैक्टर क्या है टू होगा तो टू आएगा थ्री रूट थ्री होगा तो थ्री आएगा रूट फाइव होगा तो फाइव होगा पी का फैक्टर आ जाएगा पी का फैक्टर आने के बाद में आपको उसको पी को सपोज करना है उसी के फॉर्म में मतलब अगर आप रूट टू के लिए कर रहे हो तो पी को आप टू एम सपोज कर लो और एम एक इंटीजर बोल दो अगर आप रूट थ्री के लिए कर रहे हो तो पी को आप थ्री एम सपोज कर लो रूट फाइव के लिए कर रहे हो तो पी को फाइव एम सपोज कर लो और फिर आप उसको यहां पुट करके फिर से स्क्वायर करो तो क्यू को क्यू का भी फैक्टर आपको नंबर बता दो तो अगर यहां पर रूट टू के लिए चल रहा है तो यहां पर क्यू का फैक्टर टू आ जाएगा या रूट थ्री के लिए चल रहा है तो क्यू का फैक्टर थ्री आ जाएगा या रूट फाइव के लिए चल रहा है तो क्यू का फैक्टर फाइव आ जाएगा ठीक है और फिर आप बोलोगे कि फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू यहां पर इसको टू ले लोगे फ्रॉम वन एंड टू आप बता दोगे भैया दोनों का फैक्टर तो यहां पर कॉमन आ गया और कॉमन तो हमने सपोज नहीं किया था मतलब हमने जो सपोज किया था जो हमारा अजम्पशन था वो इनकरेक्ट है और इस तरह से उसको करना ये है तरीका इसको करने का ठीक है मतलब ये चीज आपको आपकी बुक में दी है आपके टीचर आपको सॉल्व करवाते हैं आई डोंट नो लेकिन ये आपको आना चाहिए और अच्छी बात ये है कि ये चीज 10th के बच्चों को दी है सीबीएसई में और हम वो कर रहे हैं 9th में ठीक है आप अगर इसे लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आपको आगे की चीज एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम जाएंगे अपने प्रैक्टिस सेट पर क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइए दोस्तों आगे हम आते हैं आगे हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पर 2 और 3 का स्क्वायर रूट निकाल के बताया है जो कि एक इरेशनल नंबर है साथ ही में नीचे आपको देखने मिलेगा अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है ठीक है उसके बाद कुछ एक्टिविटीज देख के रखिए एक्टिविटीज आपको सॉल्व करना ही है सबसे मेन पॉइंट कुछ देखे रखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेज नंबर 24 पर रिमेंबर दिस पे क्या देखे रखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर मतलब अगर एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर ऐड होता है तो वो इरेशनल बन जाता है कैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है दैट इज 2 2 एक रैशनल नंबर क्योंकि 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको और मैंने इसमें प्लस कर दिया रूट 2 तो 2 और रूट 2 ये क्या है ये है दिस इज रैशनल नंबर वो बोलता है किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में अगर हम इरेशनल को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं सो वी गेट इसका जो आंसर बनेगा वो इरेशनल ही बनेगा ठीक है मतलब ये जो आंसर आएगा दिस विल बी इरेशनल नंबर ये बात हमें हमारे जो पॉइंट देके रखे रिमेंबर दिस में उसमें पहला पॉइंट देके रखा है फिर से रिपीट करता हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर आगे देखे रखा मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर जैसे आप अगर आप रैशनल को इरेशनल से प्लस करते हो अगर आप रैशनल को इरेशनल से प्लस करते हो आपको मिलेगा इरेशनल अगर आप रैशनल को इरेशनल में से माइनस करते हो माइनस प्लस कुछ करते हो तो भी आपको मिलेगा इरेशनल अगर आप रैशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपको मिलेगा इरेशनल और रैशनल इरेशनल का डिवीजन भी करोगे तो भी आपको मिलेगा इरेशनल यही बात यहां पर देखिए रखी है ठीक है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल विद इरेशनल ओके इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर सेकंड पॉइंट देखे रखा है थर्ड देखे रखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी ईदर रैशनल और इरेशनल मतलब यहां पर यह बात देखे रखी रैशनल के लिए रैशनल इरेशनल का प्लस माइनस कुछ भी करो तो इरेशनल ही आएगा लेकिन अगर आपका रैशनल से इरेशनल से इरेशनल करें आप ठीक है क्या बोलता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर मतलब एक इरेशनल नंबर ऐसा ले लो और फिर से एक और इरेशनल नंबर ले लो तो जब आप इरेशनल और इरेशनल का प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आपका आंसर या तो इरेशनल होगा या फिर रैशनल होगा ठीक है मतलब एक बात कंफर्म है कि रैशनल इरेशनल का रैशनल 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 नंबर और इरेशनल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो इरेशनल ही आएगा लेकिन इरेशनल इरेशनल को प्लस करोगे माइनस करोगे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है डिपेंडिंग कैसा क्वेश्चन है क्यों ऐसा अब ऐसा क्यों भैया देखो रूट टू है मैं रूट टू को रूट टू से डिवाइड कर देता हूं रूट टू इरेशनल है
रूट टू को रूट टू से डिवाइड किया भैया कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा वन। वन क्या है? वन रैशनल नंबर। तो इसके लिए इस तरह से लिखा है, ठीक है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। तो तीन पॉइंट्स जो देके रखे थे रिमेंबर दिस में, ये हो गए तीन पॉइंट। उसके बाद आगे कुछ प्रॉपर्टीज देके रखी, सारी प्रॉपर्टीज हम समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, आगे देके रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज देके रखी है, वहां पर उनके कुछ ऑर्डर्स के हिसाब से वहां पर क्या रिलेशन है, क्या है, उस तरह से देके रखा है। क्या देके रखा है समझ लेते हैं। पहला पॉइंट देके रखा है, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स देन ओनली वन ऑफ द रिलेशन होल्ड्स गुड। ओके, मतलब क्या, दो नंबर है ए और बी, ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, या तो वो इक्वल होगे, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, ठीक है, ये रिलेशन वहां पर उनका आपस में होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर टू जो देके रखा है, वहां देके रखा है इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक रैशनल नंबर दूसरे से छोटा हो और दूसरा वाला किसी तीसरे से छोटा हो, तो भैया ए से ये भी छोटा होगा, सो दैट क्या होगा, ए लेस देन सी हो जाएगा। मतलब अगर इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो ए इज लेस देन सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बात ग्रेटर में भी आती है, ग्रेटर में इसने देके रखा है, नहीं देके रखा, देना चाहिए था। मैं बता देता हूं कि अगर ऐसा हो ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो भैया ए ग्रेटर देन सी होगा, ठीक है, ये पॉइंट देना चाहिए था, यहां पर इससे दिया नहीं है। चलिए आगे आता हूं अगले वाले पॉइंट पर। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी देके रखी है कि इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए इज लेस देन बी है, इफ ए इज लेस देन बी, तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी होगा। मतलब क्या कि अगर मेरे पास दो नंबर है, टू लेस देन थ्री है, और मैं अगर कोई सेम नंबर दोनों साइड प्लस कर दू, मैं यहां पर भी थ्री का प्लस कर दू, यहां पर भी थ्री का प्लस कर दू, तो फाइव और ये हो जाएगा सिक्स, तो बात रिलेशन बना रहेगा। किसी भी नंबर का प्लस करते हैं तो कोई बिगड़ता नहीं है, मतलब जो रिलेशन यहां पर है कि लेस देन है, तो लेस देन ही बना रहेगा, वो वहां पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको स्क्रीन पर भी ये साथ में दिखती जाएगी। अगला फोर्थ पॉइंट देके रखा है, देखो फोर्थ पॉइंट क्या देके रखा है कि इफ इफ ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, तो क्या होगा, अगर सी ग्रेटर देन जीरो तो सी एक पॉजिटिव नंबर है इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दू, ए सी कर दू, तो ये ए इंटू सी जो होगा वो बी इंटू सी से छोटा ही होगा। कैसे, मेरे पास एक नंबर है टू लेस देन थ्री है भैया, मैं दोनों में फाइव से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो तो वो रिलेशन वही बना रहेगा, ये हो जाएगा टेन लेस देन फिफ्टीन, ठीक है। मतलब क्या बात है कि अगर दो रेशनल नंबर ऐसे है जिसमें एक दूसरे से छोटा है, तो किसी पर्टिकुलरली पॉजिटिव नंबर का आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, किसी पॉजिटिव नंबर का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो रिलेशन वैसा का वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आगे देके रखा है, फोर्थ वाला ही है इसमें, आगे नहीं है, वेरीफाई द अबव प्रॉपर्टीज यूजिंग रैशनल इरेशनल नंबर्स। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज रैशनल इरेशनल को यूज करके आप कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। हालांकि वेरीफाइंग के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन उसने बुक में दिया नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है सारा का सारा, और जिसका बेसिक अच्छा होता है वो बहुत अच्छा होता है मैथ्स में, ठीक है। आप देखेंगे कि मेरे जितने वीडियोज है, मैंने एक्सरसाइज के पहले जो बेसिक दिया मैं उसको बहुत अच्छे से बताता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इसको बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं, जो लोग पूरा देखते हैं, उनका मैथ्स वही 100% स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे हमें देके रखा है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। अब देखो भाई, स्क्वायर रूट जो होता है निगेटिव नंबर का, तो वो रियल नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता बताऊं मैं आपको। पहली बात तो क्या है, हमारे पास में स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट पता है, हमें 16 का स्क्वायर रूट पता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा प्लस माइनस में, ठीक है। हम उसके दो आंसर्स लिख सकते हैं, प्लस माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हमें आदत पड़ गई कि हम सिर्फ प्लस को ही लेते हैं, या आप टेंथ में लेना शुरू करोगे 16 का, अंडरूट 16 का 4 आंसर। लेकिन अगर आपको बोल दें कि अंडरूट माइनस 16 का आंसर क्या है, ये तो रियल है, लेकिन भैया ये रियल नहीं होता, ये रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होता है। ये क्या बनता है, ये इमेजिनरी नंबर बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आपकी बुक में दिया नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इस 16 को लिखा जाता है ऐसा, अंडर रूट 16 को, माइनस 1 इंटू 16 लिखा जाता है,
फिर इसको लिखा जाता है माइनस वन इंटू माइनस सिक्सटीन, तो ये हो जाता है रूट सिक्सटीन का, तो फोर हो जाएगा और अंडर रूट माइनस वन, और इस माइनस वन को आई लिख दिया जाता है, इसको फोर आई लिखते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, मैंने इसको क्या बताया, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये आपको इलेवंथ में आएंगे जब आप मैथ्स लोगे, ठीक है, तब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो एक इस यहां पर एक स्टेटमेंट देके रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर, जो कि आपको बुक में नहीं दिया है, ठीक है। चलिए मैं आगे आता हूं दोस्तों, इस तरह से आज का ये वीडियो था। अगले वीडियो में हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस सेट 2.2, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, बस बेसिक चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई, एक बार आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने हालांकि इस क्वेश्चन के इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम यहां पर एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, दैट इज 2.2, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहे पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।